नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपनी इस वॉच में जो डायल फेसेस है या वॉच फेसेस है, इस वॉलपेपर को आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट तीन वॉलपेपर मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टैप करना है, थोड़ा प्रेशर देना है और फिर आपको यहाँ पे स्लाइड डाउन करना पड़ता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे अलग अलग वॉच फेसेस देखने मिल जाएंगे। तो आपको जो सेट करना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इस तरीके से। और दोस्तों अगर आपको और कुछ नए वॉच फेसेस यहाँ पे ऐड करने हैं या फिर अपनी खुद की कोई फोटो यहाँ पे सेट करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है बोट प्रो गियर इस ऐप में। इस ऐप को आपको ओपन करना है। ओपन करते हो आपको सबसे पहले दो चीजें निश्चित करनी है। एक तो जो फर्मवेयर अपग्रेड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे डिवाइस पे टैप करोगे, यहाँ पे लिखा होगा लास्ट में फर्मवेयर अपग्रेड। ये जो फर्मवेयर वर्जन होगा ये आपका 6 होना चाहिए। और जो यहाँ पे यूजर में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम सेटिंग्स में, और यहाँ पे होगा ऐप वर्जन, तो जो ऐप वर्जन होगा वो भी यहाँ पे 2.22.4 होना चाहिए, ये लेटेस्ट है। अगर इससे पुराना हुआ मतलब आपको जो बोट प्रो गियर ऐप है उसे यहाँ पे अपडेट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे डायल सेटिंग्स में, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इस पे टैप करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो तीनों थे जो डिफॉल्ट पहले से होते हैं आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 36 वॉच फेसेस मिल जाते हैं, 36। तो आपको यहाँ पे क्लाउड वॉच फेस इस पे टैप करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के 36 वॉच फेसेस मिल जाएंगे। और आपको जिसे यहाँ पे सेट करना है आप उसे यहाँ पे सेट कर सकते हो। मान लो मुझे इसे सेट करना है तो मैं इसे करूंगा। और फिर आपको यहाँ पे करना है सेट वॉच फेस, इस पे टैप करना है। और फिर डाउनलोडिंग होके सिंकिंग होके यहाँ पे आपका जो वॉच फेस है यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यही वाला जो वॉच फेस है यहाँ पे ये सेट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी वॉच फेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 36 अलग अलग टाइप के मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे क्लाउड वॉच फेस पे यहाँ पे टैप करना है और आपको जो सेट करना है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक फायदा होता है कि अगर आप इनमें से किसी को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पता चल जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप्स कितने चले हुए हैं और फिर यहाँ पे कैलोरी कितनी बर्न हुई है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये भी आपको पता चल जाता है। ये फायदा होता है अगर आप क्लाउड वॉच फेस का यूज करते हो। तो अब बात करेंगे अपने खुद का जो वॉच फेस है किस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपने खुद का वॉलपेपर। तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर वॉच फेस यहाँ पे टैप करना है प्लस के साइन पे, और फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट न्यू वॉलपेपर इस पे टैप करना है। और फिर गैलरी में जाना है या एल्बम में, और फिर गैलरी में सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपनी कोई भी फोटो यहाँ पे सेट कर देनी है। जैसे मान लो मुझे यहाँ से कोई फोटो सेट करनी है, तो मैं मान लो मुझे ये फोटो करनी है सेट, तो मैं इसे यहाँ पे सेट कर दूंगा। और यहाँ पे ऊपर में जो टिक है इस पे टैप करूंगा और फिर यहाँ पे करूंगा सेट वॉच फेस, और ये सिंक होगा। और इसके बाद जो ये वॉलपेपर होगा आपको इस वॉच में देखने मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये कैप्टन अमेरिका का जो वॉलपेपर है यहाँ पे आ चुका है। तो आप खुद के ऐसे कोई भी वॉलपेपर यहाँ पे सेट कर सकते हो। आपने कोई भी फोटो सेव की होगी या कोई भी फोटो आपने क्लिक की होगी तो आप यहाँ पे इसे इस तरह से सेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ये चीज होती है कि जब आप अपनी खुद की फोटो सेट करते हो तो आपको केवल यहाँ पे डेट और टाइम देखने के लिए मिलता है, मतलब स्टेप्स कितने चले हो, कितना डिस्टेंस कवर किया है, कैलरी कितनी बर्न हुई है, आपको वो देखने यहाँ पे नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपको केवल टाइम और डेट देखने मिलेगा जब भी आप अपनी खुद की फोटो यहाँ पे सेट करते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे जो चाहे वो क्लाउड फेस या फिर जो चाहे वो वॉलपेपर जो आपके गैलरी में है अवेलेबल, आप यहाँ पे अपने बोट स्टॉर्म स्मार्ट वॉच में सेट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।